ये जो मेरी लॉन्ग लाची वाली वीडियो ट्रेंडिंग पे ना इस वक्त, इसी वीडियो का वाकया कि जब मैं वहाँ ढोल बजा रहा था तो उन लोगों ने कहा कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। उनका ये कहना था तो मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और उनको मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो यही समझे कि वो वीडियो उस गुस्से में बनी हुई वीडियो है कि उनको मज़ा आए, तो उनको मज़ा आया। फिर उनको क्या मज़ा आया, पूरी दुनिया पर ही वो वीडियो छा गई। मेरा नाम कामरान अब्बास है, मेरा तलक तलगंज से, और मैं ढोल बजाता हूँ। कई लोग तो हमें हैरानगी से देखते हैं क्योंकि ढोल बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्टाइल है वो इतना एनर्जेटिक है कि बंदे परेशान हो जाते हैं कि यार आप इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं। ये जान लगाना जो ढोल वाला सिस्टम है, इसमें जान ऐसे लगती है कि अगर आपका क्राउड सामने आपको एंटरटेन, आपका क्राउड हो रहा है ना, वो मज़ा ले रहा है, तो फिर इसमें ऑटोमेटिकली जान लगती है। ढोल मुझे दिल की खुशी देता है जब मैं बजाता हूँ, मेरे लिए इससे खास और बात कोई नहीं है। दिल गलती कर बैठा है। मेरे नाना अबू हमारे एरिया के मशहूर ढोल वाले थे, फिर उनसे आगे मेरे मामू बजाते थे, बाकी मेरे मामू के बेटे भी बजा रहे हैं, कज़न्स वगैरह भी। फिर उनको देखा तो शौक लगा, बचपन से शौक था, फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया ऐसे आराम से। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है छोटी। मेरा बच्चा इस काम में बहुत पैशनेट है, उसे अभी से ही मुझसे ज़्यादा शौक है। पहले कोशिश करेंगे उसे तालीम दें क्योंकि तालीम इंसान को अच्छा इंसान बनाती है, फिर उसके बाद अगर उसका शौक जारी रहा तो वो भी इसी फील्ड में आ जाएगा। ये काम अच्छा काम है, इसमें इज्जत है, बंदे कमाई भी है, सब कुछ है। एक परफॉर्मेंस हमारी बाज़ औक़ात लाखों में होती है, कभी हज़ारों में होती है। सबसे यादगार परफॉर्मेंस मेरी यही वीडियो वाली है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी मेहनत करें और लोग कहें कि हमें पसंद नहीं आया, और बंदा मेहनत करे और यकदम वो वीडियो पूरी दुनिया को पसंद आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब लोग हमें पहचानते हैं कि यार आप फलाएँ, आपकी वीडियो चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा है दिल। मेरे इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने फैंस के साथ जाके उनके सामने ढोल बजाऊं, परफॉर्म करूं, लेकिन ये वीज़े के मसले हैं, इनकी वजह से मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर हल हो जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपने इंडियन फ़ैन के सामने भी जाकर परफॉर्म करूँ।